फिर बदले की क्या लगता है इस पर? एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है राज्यसभा में, हमारे गृह मंत्री जी ने जो रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया है, जो अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया है, वो वास्तव में देश के लिए एक मील का पत्थर है, देश के लिए, उसकी अखंडता और एकता के लिए एक महत्वपूर्ण लंबी छलांग है। हमारी पार्टी जनता कांग्रेस इसका पूरी तरह से समर्थन करती है। इससे जो बहुत से फायदे होंगे, मैं सोचता हूँ कश्मीर समस्या का पूर्णकालिक हल निकलेगा, कश्मीर की जनता में, कश्मीर के आवाम में, जो वहाँ के आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में हैं, दलित बहुत बड़ी संख्या में हैं, गुर्जर और पिछड़े वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, उन्हें इस अनुच्छेद के कारण आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, वो लाभ अब मिलने लगेगा। देशवासियों को अब कश्मीर में, जैसे वो देश के नागरिक हैं, अब कश्मीर भी देश का अंग बन गया, समान नागरिक के रूप में वहाँ जा सकेंगे, प्रवेश कर सकेंगे, आवश्यकता होगी तो संपत्ति खरीद सकेंगे। देश का सबसे सुंदर इलाका, वहाँ देश के बाहरी इलाके से भी लोग अब जाकर बस सकेंगे, अपना आशियाना घर बना सकेंगे, अपने घर परिवार को वहाँ रख सकेंगे। तो कुल मिलाकर इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मेरी ये मांग है कि जब भी छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी सत्र हो, तो हमको अपने अपने दलों की दीवारों से ऊपर उठकर एक प्रस्ताव करना चाहिए, केंद्र सरकार का और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय का हमारी विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो ये छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ निवासियों के साथ धोखा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़